हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टडिंग द नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 4, अ स्ट्रिंग सॉन्ग। स्ट्रिंग पता है क्या होता है? स्ट्रिंग जिसे लर्ड भी कहा जाता है। देखो, एक के बाद एक, एक के बाद एक जोड़ के अगर हम कुछ बनाते हैं तो उसे हम स्ट्रिंग कह सकते हैं, धागा भी बोल सकते हैं वैसा। तो ये जो है हमारा स्ट्रिंग सॉन्ग है। तो इस स्ट्रिंग सॉन्ग में क्या करना है, फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 8 to 10 चिल्ड्रन ईच टू प्ले दिस गेम। हमें 8 से 10 बच्चों का ग्रुप बनाना है और ये एज अ गेम खेलना है। पढ़ना तो नहीं है, एज अ गेम खेलना है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए वाले है, उनको मेंशन करना है हमें। देखो, ये कुछ एप्पल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर लॉफ्स दिख रहे हैं ब्रेड के, ये कलर पेंसिल्स है, अ सैक ऑफ ग्राम फ्लोर, अ पैक ऑफ लिक्विड सोप, सम जूसी रेड मैंगोज, अ पेयर ऑफ ब्लू बैंगल्स, अ बिग जार ऑफ हनी, अ बंच ऑफ बिग बनानास एंड अ स्ट्रिंग ऑफ व्हाइट फ्लावर्स। लाइक दिस, हमें इन चीजों को हमारे इस सॉन्ग में ऐड करते जाना है और इस सॉन्ग को बहुत लंबा बनाना है। कुछ जो है ऐड करके दिए वाले हैं, नेक्स्ट जो है उसमें हमें कंटिन्यूअसली ऐड करते जाना है। द फर्स्ट चाइल्ड सेज, जैसे पहले ही कहा है कि 8 से 10 बच्चों को लेके हमें ये एज अ गेम खेलना है। तो पहले चाइल्ड को दिया है टास्क, अभी वो बात करने वाला है। आई वेंट टू द मार्केट, डू यू नो व्हाट आई बॉट? Some red shiny apples, that's why I got. यहां पर जो है पहला चाइल्ड आता है, बोलता है मैं मार्केट गया था, आपको पता है मैंने क्या लाया? थोड़े रेड शाइनी एप्पल्स जो मुझे मिले। इस तरह ही सब का मीनिंग आएगा, मीनिंग अलग अलग किसी कुछ भी नहीं आएगा, जो वो सिर्फ चीजें है वो बदलती जाएगी और ये हमारी जो स्ट्रिंग है ऐसे बढ़ते जाएगी, जैसे हम किसी मोती की माला बनाते हैं, एक मोती के बाद दूसरा मोती, दूसरे मोती के बाद तीसरा मोती, इसी तरह से यहाँ पर एक एक बढ़ते जाएगा। तो हम फर्स्ट चाइल्ड से फिर से स्टार्ट करते हैं। आई वेंट टू द मार्केट, डू यू नो व्हाट आई गॉट? सम रेड शाइनी एप्पल्स, दैट्स व्हाट आई गॉट। द सेकेंड चाइल्ड एड समथिंग, वो अभी इसके अंदर एड करने वाला है, इसका बोल के फिर ये खुद का बोलेगा। आई वेंट टू द मार्केट, डू यू नो व्हाट आई बॉट? सम रेड शाइनी एप्पल्स, अ बिग लॉफ ऑफ ब्रेड, दैट्स व्हाट आई गॉट। देखो, उसकी भी लाइन बोली है और अपनी एक लाइन इसमें एड कर दी है, अ बिग लॉफ ऑफ ब्रेड। द थर्ड चाइल्ड एड्स वन मोर थिंग, I went to the market, do you know what I bought? Some red shiny apples, a big loaf of bread, a pack of color pencils, that's what I got. ये तीन चीजें तो हो गई, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाला चाइल्ड आएगा और ये तीन चीजों के साथ ये चौथी चीज उसमें ऐड करेगा, फिर फिफ्थ चाइल्ड आएगा, ये चार चीजों के साथ वो ये वाली चीज ऐड करेगा। इस तरह हमें ये जो स्ट्रिंग है हमारी ये बढ़ाते जानी है। तो लास्ट वाला जो चाइल्ड है हमारा, देखो कितने पिक्चर है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स लिए है। तो जो लास्ट वाला बच्चा है, 10 नंबर वाला, वो क्या बोलेगा देखना है हमें, वो क्या बोलेगा। 10th चाइल्ड एड्स वन मोर थिंग, आई वेंट टू द मार्केट, डू यू नो व्हाट आई बॉट? सम रेड शाइनी एप्पल्स, अ बिग लॉफ ऑफ ब्रेड, अ पैक ऑफ कलर पेंसिल, अ सैक ऑफ ग्राम फ्लावर, अ पैक ऑफ लिक्विड सोप, सम जूसी रिप मैंगोज, अ पेयर ऑफ ब्लू बैंगल्स, अ बिग जार ऑफ हनी, अ बंच ऑफ बिग बनानास, स्ट्रिंग ऑफ व्हाइट फ्लावर्स। इस तरह से हर एक बच्चे के साथ पहले लाइन को कंटिन्यू करते हुए एक चीज बढ़ाते जाना है। लास्ट वाला बच्चा जो है इन 10 भी चीजों को अपने बोलने में ले लेगा। इस तरह से हमें ये अपनी पोयम ऐड करते करते लंबी बड़ी ही बनाना है। इन दिस वे यू रीच आई रिपीट इन द करेक्ट ऑर्डर व्हाट अदर हैव सेड एंड एड समथिंग न्यू ऑन हिज आर हर ओन। The game continues up to the last child. You may use the example given here or use your own ideas. तो यहाँ पर जो example दिए है आप ये example भी use कर सकते हो या फिर अपने खुद के जो new ideas है वो भी add कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर हमने 10th वाला चाइल्ड जो बोलेगा वो भी ले लिया था, 10 बच्चों के लिए ये है, कंटिन्यू में बोलना है, बीच में किसी चीज को ड्रॉप नहीं करना है। अगर आपके सामने पिक्चर रहेंगे तो आप बोल पाओगे, लेकिन अगर ये सिर्फ मेमोराइज करके बोलना पड़ेगा तो
सोच लेना क्या आप बोल पाओगे थोड़ा सा, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बहुत बार सुनोगे तो बिल्कुल कर पाओगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।